व्हाट इज अप लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम नजर डालेंगे वैलोरेंट के नए एजेंट के एक और टीज के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे किस तरह से सिनाट्रा वापसी करने जा रहे हैं कंपेटिटिव वैलोरेंट के अंदर, बट द कम्युनिटी इज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। वेल, सारे लोग, कुछ लोग हैं जो इससे ना खुश हैं। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स अनाउंस कर चुका है फाइट नाइट, और उसी के साथ 13 तारीख को हमको ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के मेंबर्स और साथ ही साथ SAT12 के मेंबर्स नजर आए थे एलन वॉकर के साथ, एंड दैट इज सम न्यूज। और न्यूज की बात कर रहे हैं एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो गिल्ड हाउस भी रिवील होने जा रहा है, विल वेट फॉर दैट सून। बट इन दी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हम और भी बात करेंगे, साथ ही साथ एक और अपडेट ये भी है कि हिको फ्रॉम 100 थीव्स is decided to quit competitive Valorant. So without wasting any further time, this is Super Johnny and you guys are watching Esports 360. What is up ladies and gentlemen, ek baar phir se swagat hai Esports 360 ke ek naye episode ke andar. Cypher now in Valorant is in trouble. और हम लोगों को ये शक है कि ये नए एजेंट Agent 20 aka Bounty Hunter का काम है. But to be fair, Viper did warn us about it. We're not sure what the danger is, but इतना पक्का है कि नया एजेंट is a tactical initiator. Look at those screens and cameras that look like eyes. ध्यान दे कि कैसे सारे cameras खुद Cypher पर ही pointed है. Does this mean that someone else is also watching everything other than Cypher? Let's wait for the actual reveal for this. So it's been almost a year since Sinatra got banned from competitive Valorant due to allegations about sexual abuse. But finally Sinatra ne decide kiya hai wo competitive Valorant mein ek bar fir se wapsi karne ja rahe hain, and the community is the least hyped about this. Sinatra was charged with sexual abuse and assault by his former girlfriend Cleo last year. Reports ye kehti hain ki Cleo ne ye charges drop kar diye hain, but Cleo says it's not the case. The truth is a little bit fuzzy, but now after a year Sinatra competitive Valorant में अपनी वापसी कर रहे हैं। हालांकि प्रो प्लेयर्स उनके इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से कम्युनिटी इज गिविंग हिम बैकलैश फॉर दिस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली एक और बड़ी खबर यह है कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के गिल्ड हाउस और उनके फाइट नाइट इवेंट में हमको नजर आएंगे एलन वॉकर। नाउ दिस इज अ वेरी बिग फीट एंड ऑल द आईज आर सेट ऑन जीई नाउ। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और बड़ी खबर ये है एट द एंड ऑफ द डे कि 100 थीव्स के स्टार प्लेयर हिको अब कंपेटिटिव ईस्पोर्ट्स को अलविदा कहने वाले हैं। हिको ने रिसेंटली अपना कंपेटिटिव करियर को गुड बाय कहा, एंड अब वो 100 थीव्स में परमानेंट कंटेंट क्रिएटर की तरह ट्रांजिशन कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू नॉर्डविन गेमिंग यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। We'll